क्लीन करने वाली हूँ और साथ में आप लोगों से कुछ बातें भी हो जाएगी क्लीन करते करते। तो ये लुक अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे आ चुका है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साइड में एक बेल आइकन होगा उसको क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ फर्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब इस लुक को मैं क्लीन करने वाली हूँ। पहले तो मैं अपने हेयर को इसको सिक्योर करूँगी, सो इसे मैं एक क्लॉचर की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी एंड अपना इयररिंग हटाऊँगी। ये वाला जो इयररिंग है ऑफलाइन है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देती। बहुत ही प्यारा सा ये इयररिंग है, देख सकते हो कितना प्यारा सा है, तो इसका लिंक मैं आप लोग को नहीं दे सकती। तो आज जो मैं अपने मेकअप का क्लीन करूँगी, मेकअप क्लीनर यूज़ नहीं करने वाली, मैं सिर्फ कोकोनट से ये क्लीन करने वाली हूँ। कोकोनट ऑयल से आप अच्छे से अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल दूँ। आज का आई मेकअप मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। मुझे सच में मुझे मेरा आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी आई मेकअप अच्छा हो जाता है ना तो मुझे क्लीन करने का मन नहीं करता, बट क्या करें क्लीन तो करना ही है। तो इसको मैं इसके जगह पे रखते रही हूँ। हो गया। कोकोनट से क्लीन करने के लिए आपको एक कॉटन चाहिए और कोकोनट ऑयल चाहिए, थोड़ा सा आपको लेना है, पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। इतना सा क्वांटिटी, सच में आज मुझे मेरा मेकअप क्लीन करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा भी रहने दो, बट अब 5 बजने वाले हैं तो मुझे क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ। देखो कितने अच्छे से लिपस्टिक को भी ये क्लीन कर दिया, आई मेकअप को भी। बहुत हल्का सा क्वांटिटी में, थोड़ा सा क्वांटिटी में लेना है और सर्कुलर मोशन में आपको आई पे ऐसे ऐसे करना है, गोल गोल घुमानी है, इससे आपका पूरा जो आईलाइनर है आई शेडो है पूरा निकल जाएगा। सेम इस साइड भी आपको यही करनी है। कोकोनट ऑयल आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप इसे यूज करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास कोई मेकअप रिमूवर नहीं है ना तो आप इसे यूज करो। एंड दैट्स इट, मेरा पूरा हट गया है, देख सकते हो ये कितने अच्छे से क्लीन कर दिया इसके आई मेकअप को, जबकि मैंने हेवी आई लाइनर लगाया था फिर भी इसने अच्छे से क्लीन कर दिया। अब आपको लेना है एक कॉटन और कॉटन से अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये देखो पूरा निकल गया, वाह वाह, अब मेरा फेस कैसा लग रहा है। बट नहीं, बुरी नहीं हूँ मैं, मतलब अच्छी लग रही हूँ, पर मेकअप करने के बाद कुछ ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मेकअप करने के बाद थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही। एंड दैट्स इट, मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं फेस को क्लीन कर लूँगी। फेस को क्लीन करने के लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ग्रीन टी का फेस वॉश। सो आज मैं यूज़ करूँगी ग्रीन टी का फेस वॉश, थोड़े से क्वांटिटी में लेना है आपको, आपको बस उनको लेके ड्रॉप कर लेना है। और बताए आप लोग की तरफ मौसम कैसा है, या तो फिर अब लग रहा है बारिश होगा, कल का दिन बारिश नहीं हुआ था, 2-3 दिन उधर तो रेगुलर बारिश हुआ है, बट कल नहीं बारिश हुआ था, फिर अभी लग रहा है जैसे बारिश होगा वैसे मौसम कर दिया है। जब बारिश हो जाती है ना तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में, मैं नहीं चाहती कि बारिश हो, बट हो लग तो रहा कि होगा, हो रात में हो बारिश, दिन में ना हो, दिन में होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड दैट्स इट, ये क्लीन हो गया, अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। जब तक मैं वॉश करके आती हूँ तब तक आप लोग मेरा वेट करो।
टॉवल को लेकर मैं इस तरह से टप टप करके पूछ लूँगी, जब भी आप फेस वॉश यूज करते हो ना या कुछ भी यूज होते हो वैसे, रगड़ के कभी मत पूछो उसको, टप टप करके सब करो, नहीं तो वैसे हो जाएंगे। मेरा मेकअप पूरा क्लीन हो चुका है, अभी मैं कोई भी टोनर या मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो फ्रूट फेस पैक। आज मेरा मन कर रहा है फेस पैक लगाने का, तो मैं ये फेस पैक लगा ले रही हूँ। दिन में तो हमारा जगी रहती है तो मैं लगा नहीं पाती। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा जब मैं फेस पैक लगाती हूँ तो वो कितना डर जाती है, तो इसलिए मैं अभी अप्लाई कर ले रही हूँ। और अप्लाई करके चलिए सूख भी जाएगा। इस पर ना मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है तो आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा वाला फेस पैक है ये, टैन रिमूवल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला फेस पैक है। अगर आप मेकअप करते हो ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई भी मेकअप रिमूव करते हो तो कोई फेस वॉश जरूर, फेस पैक जरूर यूज़ करो। इससे क्या होगा ना, जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट आपके स्किन में गए रहते हैं ना वो अच्छे से निकल जाएगा और आपको कोई साइड इफेक्ट पिंपल वगैरह नहीं होगा। बेस्ट होता है कि पिंपल ना हो, पिंपल वगैरह नहीं होगा। और जब आप इसे लगाओ, ये वाला फेस पैक थोड़ा लगाओगे ना तो आपको तो पहले 3-4 सेकेंड के लिए आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा जलन होगी और उसके बाद आपका स्किन में बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। थिंक ये मुझे लगता है कि जब ये गंदगी को काटते हैं ना, निकालते हैं, तो शायद जलन होती है, मुझे ऐसा लगता है। बट ये बहुत ही अच्छा वाला फेस पैक है। मेरा फेस पैक लग गया, अब 10 से 15 मिनट तक मैं इसे छोड़ दूँगी, जब तक ये ड्राई होता है तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। ये है बायोटेक का एडवांस आयुर्वेदा बायो फ्रूट वाइटनिंग डीपिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये फेस पैक है, ब्राइटनेस तो आपकी स्किन पे लाती है, साथ ही ये टैन रिमूवल बहुत ही अच्छा वाला ये फेस पैक है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो डाला तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग देख लेना। एंड अब ये ड्राई हो चुका है, अब मैं इसे क्लीन कर लूँगी। ये पूरे अच्छे से ड्राई हो गया, आप देख सकते हैं। इतना देर में मैंने अपना सब काम भी कर लिया, जितना भी मेकअप का प्रोडक्ट था मैंने वो सबको रख दिया अच्छे से, जो भी ड्रेस मैंने निकाला था वो भी रख दिया और मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया, तो ये ड्राई होने का ही फायदा हुआ। जब क्लीन करूँगी ना तो कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको ठंडे पानी से क्लीन कर लेना है। आपको यहाँ गर्म पानी से नहीं करना है, ठंडे पानी से क्लीन करना है, कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना। तो मैं क्लीन करके आती हूँ, मैंने इसे वॉश कर लिया है, अब इस तरह से हम फेस का पोछ लूँगी। कितना अच्छा स्किन हो गया है, थोड़ा सा मायरा की आवाज़ आ रही है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। पिंपल हो गया मेरे यहाँ पर, कोई नहीं मैं होममेड लगा लूँगी, कोई नहीं मैं कोई फेस पैक बना के लगा लूँगी इसके द्वारा, क्योंकि पहले से तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स मेरा कंट्रोल हो गया। आप लोग देखते ही होंगे जब मैंने शुरू में नया स्टार्ट किया था मेकअप यूज़ करना, मुझे बहुत सारा पिंपल हो जाते थे, बट अब तो बहुत ही कंट्रोल हो गया, कभी कभी एक दो निकल जाते हैं, एक बस यहीं पे निकला हुआ है। टोनर के लिए आज मैं जो यूज़ करने वाली हूँ, DIY टोनर यूज़ करने वाली हूँ, इसे मैंने बनाया है तो आज मैं यूज़ करूँगी इसे, मैं दे दूँगी डिस्कशन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा वाला ये टोनर है, ये जो टोनर है मैंने एलोवेरा का टोनर बनाया है। आज जो मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करने वाली हूँ वो भी DIY है, मैंने ये भी मॉइस्चराइजर बनाया है और इन टोनर और जो मॉइस्चराइजर मैंने बनाया है एक ही वीडियो में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो मॉइस्चराइजर है ये भी एलोवेरा का मॉइस्चराइजर है, एलोवेरा जेल का मैंने ये मॉइस्चराइजर बनाया है। इसको लगाने के बाद ना आपका स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये वाला मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप इसे ज़रूर ट्राई करो। टीनेजर वाले लोगों के लिए तो ये बेस्ट वाला मॉइस्चराइजर है, आप भी इसे लगाइए, जो ही नहीं किया टीनेजर वाले ही लगाएंगे, किसी भी उम्र के वाले ये मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा हर उम्र के लोगों को सूट करता है। थोड़ा सा क्वान्टिटी में लेना है, बस या 5 से 6 सेकेंड में आपकी स्किन में पूरे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। हर एक स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा वाला मॉइस्चराइजर है, तो इसे जरूर यूज करें, अब मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जरूर इसे देखिएगा। लिप बाम के लिए मैं हिमालय का लिप बाम यूज कर रही हूँ,
जिस तरह आपको फेस मॉइस्चराइज होना जरूरी है वैसे लिप बाम भी मॉइस्चराइज होना जरूरी है, क्योंकि हमारा खेल रही है। इधर आ नहीं आ रही। एंड डन आप देख सकते हो कितना मतलब ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे और कितना मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, बहुत ही अच्छा स्किन मेरा अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।